माता दी, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज द्वितीय व्रत है माँ ब्रह्मचारिणी का। आप सभी पे माँ कृपा बनाए रखे और हम पे भी कृपा बनाए रखे, खास तौर पे मेरे पे। मेरी तबीयत ही नहीं सही हो रही बहुत दिन से, और उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि में ही मेरी तबीयत में सुधार आ जाएगा। जो बीपी है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो वो सही हो जाए। मैं भी दुआ कर रही हूँ रात दिन की। हमेशा हर नवरात्रि में वैसे मेरे को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन इस बार ही थोड़ा ज़्यादा सी वीकनेस लग रही है मुझे। तो अभी मैं थोड़ी देर अपना मन बहलाने के लिए भी और थोड़ा चलूँगी भी तो थोड़ा अच्छा फील होगा, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ अभी चामुंडा मंदिर। और मेरे साथ गप्पू भी चलेगा, गुड्डू भी, और मैं अपनी दीदी से भी मिलाऊँगी आपको, जो मेरी किरायादानी दीदी है, उनसे भी बहुत अच्छा लगाव है, उनसे मिलाऊँगी आज आपको। यार थोड़ा मुड़ के देखो, कपड़े तो सही कर लो अपने, कितने गंदे हो रखे हैं कपड़े आपके पहले से ही। यहाँ पे बहुत सारे सैतूत हैं पर मम्मा मेरे से तो पहुँचा ही नहीं जा रही। और वहाँ बहुत काफ़ी दूर जा रखे इनके पतंग, बहुत ही अच्छी पतंग उड़ाना जानते हैं बच्चे, तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं आती पतंग उड़ानी, इतनी बढ़िया तरीके से उड़ा रहे हैं। और इनमें एक मानस हमारा भी होगा, वो भी है पतंगबाज, बहुत ज़्यादा शौकीन है पतंग का। पर काशीपुर में मुझे एक ही चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है अभी, कि खुला खुला है अभी, एकदम जैसे बड़े बड़े शहरों में है भीड़ भक्कड़ ऐसे नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ी खुली हवा, प्लॉट खाली है, गंदगी तो है पर फिर भी वातावरण काफ़ी सही है। ये लड़का यहाँ है और यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, वो वहाँ को बहुत दूर गई है, बहुत दूर। इनके साथ पहले से ही रहे हैं हम लोग, तो बहुत खेलते हैं इनके साथ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू आंटी। दीदी जय माता दी। यही है मेरी दीदी, जो मैं आप सभी बोल रही थी ना कि दीदी से मिलाऊंगी आपको, यही है। बेकर चिकन रेस्टोरेंट का चार कैप्शन का लाइव काउंटर भी है, जिससे आपको मिलेगी लाजवाब वेज स्टाफ फ्लाइए ब्रेकफास्ट लंच व डिनर, वेज व नॉन वेज सूप के लिए सभी तरह के बेकरी आइटम, और प्योर वेज स्टाफ का टेस्ट लेने के लिए बेकर चिकन रेस्टोरेंट। चामुंडा मंदिर, जल्दी हमें ऐसा मौका दे माँ कि हम तेरे दरबार में आएं और अपना भेंट जो भी हमारा किया हुआ होगा उसको हम पूरा करें। माँ दुर्गा ऐसा आशीर्वाद देना हमें, सुख समृद्धि बना के रखना पूरे विश्व में, पूरे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हर जगह सुख समृद्धि बनाए रखना, यही मांगते हैं। यहाँ पे काली का छोटा सा बना हुआ है और बृहस्पतिवार को जो भी व्रत लेता है यहीं पे पूजा करने आते हैं, केले के पेड़ के नीचे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। Yeah.
क्या मिला आपको? आपको क्या मिला? मेरे को नहीं। अच्छा, आपको फूल मिल गया, माँ का आशीर्वाद मिल गया। आज चामुंडा मैया के दर्शन करें और बहुत अच्छा लगा मंदिर में जा कर के। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर दूसरे दिन मिलती हूँ, दूसरे मंदिर में ज़रूर जाऊँगी, आपको भी दिखा।